दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीते 25 मई को बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर करण जौहर का बर्थडे था, जिनके इस जन्मदिन पर इनके फैंस ने इन्हें खूब बधाइयां दी थी और उनके चाहने वालों के साथ साथ बॉलीवुड के कई सितारों ने भी इन्हें खूब बधाइयां दी थी और बधाइयों के साथ करण जौहर को कई एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दिए थे, जिनके इसी पार्टी में बॉलीवुड के कई मशहूर सितारे भी शामिल हुए थे, जिनमें वरुण धवन, आलिया भट्ट, विकी कौशल, कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय बच्चन का भी नाम शुमार है। सभी ने करण जौहर को काफी ज्यादा ब्लेसिंग दी थी और उनका ये जन्मदिन काफी खास बनाया और सभी ने इनकी पार्टी को खूब इंजॉय किया था। तो वहीं पार्टी के दौरान ही बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सलमान खान ने भी बीच पार्टी में एंट्री ली। जी हाँ, जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वो कभी जल्दी ऐसी पार्टी में शामिल नहीं होते और खास तौर से जब वहाँ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी प्रेजेंट हो। आपको बता दें, सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ करण जौहर की पार्टी में आई थी, तो वहीं कैटरीना कैफ, जो सलमान खान की एक्स रह चुकी, वो भी अपने पति विकी कौशल के साथ पार्टी में शामिल हुई थी। बता दें, एक समय ऐसा था जब ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर मारपीट का आरोप लगाकर उनसे अलग हो गई थी, तो वहीं कैटरीना कैफ के अंदर सलमान खान के लिए कोई फीलिंग नहीं आई थी, जिसकी वजह से सलमान खान आज भी सिंगल है। और ऐसे ही वो जब करण जौहर की पार्टी में शामिल हुए तो उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगा, जहां उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने पतियों के साथ नजर आई थी। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि सलमान खान उस पार्टी में शामिल हुए जहां उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, क्योंकि सलमान खान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से काफी दूर रहते हैं और उन्हें देखकर तो वो अपना रास्ता भी बदल लेते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ कि किसी पार्टी में वो आधी रात को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के होने के बावजूद पार्टी में शामिल हुए, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं, जहां कई लोग इन्हें देख पार्टी में हैरान भी रह गए थे और लोग काफी तरह की बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। पहले दोस्तों, आप इस बात को जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।